सारे भाइयों ने राम राम भाई, जय महाकाल, हर 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 महादेव। आज है लोसर, लोसर में रात में स्टे किया था और लोसर से जाएंगे अब मनाली, चंद्रताल लेक, काली माता मंदिर पड़ता रास्ते में, वो दिखाएंगे। और ये होम स्टे है, नहीं नहीं आपको दिखा देता हूँ, चंद्रताल देख के। अच्छा अच्छा, थोड़ा देख के फिर निकल लेंगे। तारा होम स्टे, वीपीओ लोसर, तहसील काजा, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। ये अपनी रुस्तम है, रुस्तम बस बैग पैक हो गए सुबह निकलने के लिए यहाँ से। और यहाँ रूम कुछ इस तरह था, होम स्टे दिया था रात में, बड़ा सुंदर रूम था, अटैच लैट्रिन बाथरूम। और सबसे बढ़िया बात है, नीचे बैठा के खाना खिलाते हैं। ऐसे डैश बोर्ड लगा रखे इन्होंने लकड़ी के। अब यहाँ से निकलते हैं, एक चाय पीते हैं और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ लोसर का कैसा है। लोसर में सेब नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ हाइट की वजह से नहीं, यहाँ नहीं। काजा तक अभी काजा में भी कहने नहीं है, काजा में आए आप लगे हैं संभल के लिए ना, वहाँ से तो धीरे धीरे आ सकते। काजा से परली तरफ जाओ, वहाँ से भी जहाँ ताबो है ना, ताबो है, पो है, उस साइड सर गर्म है ना, हमारे यहाँ मनाली के बराबर है वहाँ ताबो तो, वहाँ कितने का वहाँ इस साइड जब नाको तो था, हाँ नाको भी है, ताबो है, पो है, जो मतलब इस साइड जब जब ना बर्फ गिरती है, यहाँ पे बर्फ गिरती है। हाँ जी हाँ जी, कितना यहाँ तो 3-4 फुट तक गिर जाती है, 3-4 फुट तक। हाँ जी, अब पहले से बहुत कम हो गई क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहे ना, और पहले पहले तो बहुत ज्यादा इतना 4-5 फुट तक यहाँ तक पहुँच जाते हैं इधर ऊपर तक। हाँ अच्छा, तब आप बहुत कम पड़ रहे हैं, बहुत ही कम मौसम। अब बर्फ तो ऊपर पहाड़ों पर अभी दिखाई दे रही है, अभी दिखाई देगा, बाकी अभी दिखाई नहीं है, पहले अभी 3-4 ऊपर पहाड़ों पर बर्फ अभी दिखाई दे रही है पीछे, और कुछ ऐसा भी हुआ इधर भी। गेहूँ की फसल उठा ली है, और खेत खाली है, और भूसा तूड़ा इन्होंने छत ऊपर लगा दिया है। लोसर विलेज है ये हिमाचल स्टेट का। ये गरीब वाले बैठे हैं तो हफ्ते में जो हमारे खुल जाते हैं। अब हमने सामान जो भी लाना होगा ना, छोटा मोटा काजा जाना पड़ता है यहाँ से। अच्छा हाँ जी, काजा जाए एक जी नवंबर में पड़ सकता है जी, नवंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक रहेगा, अप्रैल तक रहेगा। अप्रैल में तो हमारे जुताई होगा ना खेत से, उस टाइम पर हम मिट्टी लगाना पड़ता है वो गर्म में ना। अच्छा, तब निकल जाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं अप्रैल में? अप्रैल में फिर जुताई होगा जो मटर का। अप्रैल अप्रैल के बाद मई में लगा देते हो? हाँ जी, मई अप्रैल में, अप्रैल के 20-25 को लगा देते फिर अगस्त के 20-25 को। मैंने ये भी देखा टूरिस्ट भी यहाँ पर है ना रुकता तो ना कम ही है, या तो वो मनाली रुकता है या फिर काजा रुकता है ना। काजा भी रुकता है, यहाँ भी रुकता है, बीच से बहुत ज़्यादा यहाँ भी रुकता है, क्योंकि यहाँ पॉइंट है ना, स्टेशन वो है ना मनाली से आके यहाँ से फिर पहले गाँव पड़ता है ना। यहाँ एक तो है थ्रेसर तो है, भूसा गेहूँ जो पीछे नहीं था, पीछे काजा से उधर नहीं, कम बहुत कम है, लद्दाख में भी नहीं था। यहाँ थ्रेसर 4 है, 4 है पूरे गांव में, एक आपका है वो मैंने देखा वो खड़ा है पीछे, ट्रैक्टर भी आपके पास। अरे ये पोली हाउस है ना? हाँ जी, ये भी आपका है? हाँ जी। क्या लगा रखा है पोली हाउस में? सब्जी वगैरह लगी है, साग वगैरह। अच्छा, ये दोनों डेढ़ ट्रैक्टर ले रखे भाई साहब, थ्रेसर भी है एक, इधर HMT 3522 है वो भी थ्रेसर ले रखे, पूरे गांव में 4 ही थ्रेसर है।
का घर है, होम स्टे है, वो सामने वाला तो पीछे ये सफेद वाला जो है सामने एक हो गया। नहीं नहीं वो नहीं, ये सामने ये वाला। हाँ हाँ, ये अपने होम स्टे तो नहीं है, ये सारे घर है, ये सारे घर अपने। गांव ज्यादा बड़ा तो नहीं है? गांव यहाँ है जी के 80 से ऊपर है। 100 मकान है? 100 मकान लगभग 100 मकान होगा। होटल के साढ़े 500 कुछ पब्लिक। पोली हाउस देख सकते हैं? देख सकते हैं। होटल तो मैं देख रहा था, उस साइड बड़े बड़े बना लिए शुरू में। हाँ जी, वहाँ कैसा नहीं, यहाँ पे भी आपके आपके गांव में शुरू से जो वो पुल आते हैं उसके बाद। हाँ हाँ, बड़े बड़े होटल ये साइड में नहीं जो होटल अधिकतर। अब वहाँ से यहाँ से पुल स्टार्ट होता है, वहाँ भी है, वहाँ स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, स्कूल है वो। हाँ, एक पीएससी है हमारे पीएससी। यहाँ स्कूल भी है और यहाँ हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल पिछले विलेज में नहीं थे, पीछे समय बैंक। ये पुल हाउस कुछ इस तरह का है, इसमें सब्जी बो रखी है, सब्जी लगा रखी है, गोभी है ना? हाँ जी, ये गोभी, ये हरा धनिया, ये हरा धनिया, हरा धनिया और ये साग, साग और मूली भी है शायद। ये मूली है क्या? ये मूली शलजम भी आ जाती है। ये गोभी, सेब का पेड़ भी लगा रखा है। सेब के पेड़ लगाया था, 3 साल हो गया, अभी वो नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है? हाइट की वजह से नहीं, सर बहुत ज्यादा ठंड और हाइट, सनफ्लावर और हाइट ज्यादा, इसलिए शेप नहीं हो पा रही। और आप आगे इसमें फिर आगे कर दोगे इसमें अलग कोई फसल? धनिया पुदीना ये निकाल गए। अब ये हो गई इसमें, और जो ये गांव का ये बताओ, जो सारा ये गोभी का पेड़ है जो होता है गंदा, वो फिर नदी में जाता है? हाँ, नदी में जाता है। अच्छा, अगर अगर ये वाले साग अगर आप खेत में बोओगे तो नहीं होगा? नहीं होगी। ये ब्रोकली है कड़े? ब्रोकली मटर का भी लगा रखा है, मटर तक खेत में, मटर की बेल भी है भाई। ये फूल बहुत अच्छा, अच्छा बहुत बढ़िया। धनिया में सजे में भी यहाँ पे दूध टाप निकल गया। अच्छा, नाले बनाने में गर्म पानी आ जाता है। ये भी अपने खेत में लगाता, प्याज, गेहूँ, चावल, सरसों, इसको सब पता खेती करने वाले को पता है किस चीज का मूली। अब यहाँ देखते थे यहाँ खेती कैसे होती है, पर पता चल गया यहाँ भी मेहनत थोड़ी ज्यादा है, मौसम के सामने जैसा मौसम वैसी फसल उगा लेते हैं, बस खेत खाली नहीं रहने देते यहाँ। और ये बाहर रोड लगा रखी है, ये दिखाते हैं, अभी बर्फ नहीं रही, बर्फ में कामयाब हो जाते हैं। ये इधर भी गोभी लगा रखे, गाजर मूली तो ना हम लोग डालते हैं, जो वो होती ना जो क्यारी की जो ऊपर वाली उसके ऊपर लगाते हैं, ऊपर ऊपर ऊपर। और जो जैसे ये क्यारी क्यारी की वो उसके ऊपर गाजर, शलगम, ये सब मूली, ये सब उसके ऊपर लगाएंगे। और जो अंदर की साइड वो लगाएंगे, जैसे जैसे गाजर लगा दी ज्यादा, या गेहूं लगा दिया, या जो मर्जी लगा दिया, और उसकी जो दीवार होगी उसके ऊपर मूली, ये सब उसके ऊपर। जो सफेद सफेद नहीं, ये जो की है जो लगी हुई ना, वो जो काले काले जो है ना, इसमें जो मटर लगे हुए। लोसर से निकल लिए हम, टाइम हो गया है 8 बज गए हैं सुबह के, और अब जाएंगे कुंजुम पास, वहाँ से जाएंगे चंद्रताल लेक, और ये चेक पोस्ट है, पहले डॉक्यूमेंट चेक होंगे यहाँ लिखवा पाएगा चेक पोस्ट पे। पर्वत का कुछ ऐसा नजारा, बर्फ ऊपर पहाड़ों पे, जबरदस्त व्यू नीला आसमान सामने, बर्फ के पहाड़।
पास जाएंगे, वहाँ से जाएंगे सत्संदर तालिक पहले कंजूम पास आएगा, वो दिखाते आपको। जैकेट अच्छी तरह बांध लेता हूँ, पैक हो जाते हैं आगे, ठंड ज़बरदस्त मिलेगी। और रिवर अब तो बहुत पानी कम हो गया है रिवर में। जो है मनाली हाईवे, नो सर राजा हाईवे, इस तरह बढ़िया भाई बार खेत का भी रहा रही, आप अंदाजा लगा सको खेता की सारा हो उस टाइम गंदा रास्ता है जो। और शामी कंजूम वासा होगा जो उसकी चढ़ाई स्टार्ट हो रही है। जो एडवेंचर बाइक ना हो ना तो कड़े पहुंचे ना, जो बाइक है जो खींच रही है। और पूरे 30 किलोमीटर का है ये आगे का, और कुंजुम पास यो भी लगा कड़े कुंजुम पास, ये माता का मंदिर है ये इनका, हमारे काली माता बोल देते हैं, कुंजुम माता है उस उसका पास है ये। और ऊपर पहाड़ों की बर्फ की चोटियाँ, यहीं से स्पीति लाहौल स्पीति रिवर का उद्गम होता है, आगे जाके छोटे छोटे नाले मिल गए वो बड़ी नदी बन जाती है, इन्हीं पहाड़ों से शुरुआत होती है। कुछ ऐसा व्यू है, कुंजुम टॉप ये कंजूम माता कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। ऊंचाई है 45,900 मीटर, 4,590 मीटर, और यहाँ से कब जाटक पर 919। दरबार पे अभी ने कंजूम माता, जय माता रानी की।
करते हैं। जय हो। माता सुख शांति रखे सबके घर में। जय माता दी, जय गोम्पा। निकाले पकड़िए मत्था टेक लो। जो हमें मंदिर तक पहुंचने में भी रोड ने थका दिए भाई। अभी से आगे